तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय की फीस को ऑनलाइन सबमिट करना है। किसी भी क्लास की फीस हो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकोगे। पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं किस तरीके से आपको केंद्रीय विद्यालय की फीस को ऑनलाइन सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों, जाने लेते हैं यहाँ पर क्या कैसे क्या यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन किए लेते हैं। ब्राउजर पर सिंपली आपको टाइप कर देना है केंद्रीय विद्यालय फीस पे। सिंपली आपको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय फीस पे लिखकर यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देना है। गूगल पर जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी, ऑनलाइन फीस कलेक्शन। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो लिंकें आपकी मतलब की रहेंगी। पहली लिंक रहेगी क्लिक फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन फी पेमेंट, और दूसरी रहेगी क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन चालान जनरेट एंड फी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हो, आपके पास पेमेंट का कोई भी साधन नहीं है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट चालान भी जनरेट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर फीस पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन फीस पेमेंट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सिंपली आपको क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट का बटन दिखेगा, और दूसरी और तीसरी लिंक रहेगी आपकी, जो आपकी ओल्ड चालान या फिर ओल्ड रिसिप्ट रहेंगी फीस जमा करने की, उन्हें आप निकाल सकोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर हम क्लिक किए देते हैं क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक किए देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा अपन को आ जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको मेक पेमेंट का एक बॉक्स लिखा देखिएगा। मेक पेमेंट के बॉक्स में आपको सिंपली यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी डाल देनी है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी बच्चों की अलग अलग एक स्टूडेंट यूनिक आईडी होती है, तो यहाँ पर आपको वही स्टूडेंट यूनिक आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है। और यहाँ पर बच्चे की जो भी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो, उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको पिक्चर कोड डाल देना है, जो भी यहाँ पर पिक्चर कोड लिखा देखिए उसे डाल दीजिएगा। अगर समझ ना आए तो यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हो, तो पिक्चर कोड बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपली डाले देते हैं इसका पिक्चर कोड। डालने के बाद यहाँ पर सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है। यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो कि जिस बच्चे की आप पेमेंट करना चाहते हो उसी बच्चे की फीस पेमेंट का पोर्टल खुला है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना, तो यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट का एक ऑप्शन देगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप विंडो आ रहा है, एज फॉर नाउ देयर इज नो पेमेंट इज पेंडिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पेमेंट पेंडिंग नहीं है अभी। यहाँ पर जो इस बच्चे की फीस थी वो ऑलरेडी पे कर दी गई है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको किसी भी स्टूडेंट की फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अगर यूनियन बैंक का पोर्टल खोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड होनी चाहिए फीस पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वैलिड रहेगी। आपको बाकायदा ऑप्शन दिए जाएंगे पेमेंट के अलग अलग मेथड के थ्रू, तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय की फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को समझ आ चुका होगा यहां पर कि किस तरीके से आपको अपनी फीस को ऑनलाइन सबमिट करना है। और अगर आपके मन में फिर भी किसी तरह का सवाल है ऑनलाइन फॉर्म में या फिर किसी भी समस्या से रिलेटेड, तो आप हमारे डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।